आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V5 डिवाइस के अंदर ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स का आप यूज कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐप ड्रॉअर का वाइड फोर सेटिंग्स आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके अपने फोन के अंदर ऐप ड्रॉअर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर में आएंगे जहां पर आपको टाइप करना है ऐप ड्रॉअर, या फिर यहां पर आप सर्च कर सकते हैं माई ड्रॉअर स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेस योर एप्स, इस नाम से एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इसकी डाउनलोडिंग की हम बात करें तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग है, 3.8 की रेटिंग है, तो ये प्रॉपरली वर्क करता है। हालांकि रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन वर्क करता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे, यहां से जस्ट ओपन पे हमने क्लिक करा। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, इसके बाद यहां पर हमारे पास एक वेलकम पेज इनका आ जाएगा, जिसको हमें यहां पर पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको यहां से एक्सेप्ट करें हमने, अपडेटिंग ऐप लिस्ट यहां पर हो रहा है, जो कि हमारा फोन जो है ऐप ड्रॉअर में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा जो फोन है प्रॉपरली ऐप ड्रॉअर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर देख सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर मिलता है कुछ बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज बनी हुई मिलती हैं, जिसमें बिजनेस, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, म्यूजिक एंड आइडियोज, अदर, और यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज है। लाइक गाइस देख सकते हो, यहाँ पर आपको फोटोग्राफी वगैरह से लेके भी है, और यहाँ पर टूल्स वगैरह, ट्रेवल लुकेज, बहुत सी कैटेगरीज है। आप अगर देखेंगे तो काफी कैटेगरीज है, और हर कैटेगरी में जो जो एप्लीकेशन होगी उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन दिखते चले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमें 3 डॉट पर ऑप्शन एक मिलता है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास परचेस प्लस का ऑप्शन है, हालांकि इसमें हम अगर क्लिक करते हैं तो इसका हम प्रीमियम भी ले सकते हैं। प्रीमियम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर विजिट्स देख सकते हैं, रिमूव एड्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर डेवलपमेंट का सपोर्ट भी हमें दे दिया जाता है इस प्रीमियम को लेने के बाद। हालांकि 170 रुपीज़ का इसका है प्रीमियम, आप इसको चाहें तो बाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, दोबारा से हमें 3 डॉट पर जाना होगा, अलर्ट टू होम है। अलर्ट टू होम पे अगर जाना चाहते हैं तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन से अपने होम स्क्रीन पे कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें 3rd ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज का। मैंने बताया आपको कैटेगरीज पे आप क्लिक करके यहां से किसी भी कैटेगरीज को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से किसी को भी आपसे डिसेबल कर सकते हैं। नीचे दोबारा हम जाएंगे सिंपली 3 डॉट पे हिडन एप्स है, अगर आपने जो एप्लीकेशन हाइड करी होगी वो हिडन एप्स पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स मिलती है उस सेटिंग्स की यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, जिसमें थीम्स, प्राइमरी कलर, ऐप आइकन, और यहाँ पर ग्रेड साइज है, आइकन साइज है, पुल डाउन टू क्लोज ऐप है, ये सारी चीजें हैं। तो हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम थीम्स का ऑप्शन हमें मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिसमें लाइट, डार्क और ब्लैक के 3 थीम्स मिलते हैं। आप जो मर्जी चाहे थीम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डार्क थीम्स को चूज करके ओके कर दूं तो हमारा जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो डार्क थीम पे एक्टिवेट हो जाएगा, जो आप यहां से देख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो यही सेटिंग्स में दोबारा क्लिक करके यहां से प्राइमरी कलर है इसको हम ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल जो चाहें कर सकते हैं। पर्पल पे क्लिक करेंगे तो अब जो एप्लीकेशन हमने ऑन करी है ऑप्शंस उसका जो कलर है वो पर्पल आपको दिखाई देगा। हालांकि अगर आप चाहें तो यहीं से ऐप आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक, ग्रे और व्हाइट के 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऐप आइकन को चेंज करने के लिए। ग्रे कर देंगे, ओके कर देंगे, आपको जो एप्लीकेशन है ये भी ग्रे कलर में स्विच हो जाएगा। इसके बाद अगेन हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स। इसके बाद नीचे है ग्रेड साइज, जिसमें हमें 4 कॉलम्स का एप्लीकेशन मिलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1, 2, 3, 4 ही कॉलम में एप्लीकेशन है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉलम्स को बढ़ाना चाहें तो इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा ये 5 कॉलम का एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगेन क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, फिर से हमने क्लिक करा, जिसमें आइकन साइज यहाँ पर है, इसको आप 200 तक इसको बड़ा कर सकते हैं, सॉरी 130-100 तक इसको बड़ा कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको आइकन को बड़े करके ओके कर देंगे तो आपका जो आइकन है वो प्रॉपरली बड़ा हो जाएगा। पुल डाउन टू क्लोज ऐप है, डाउन करेंगे नीचे तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ऐप नेम सिंगल लाइन्स है, हाइड यहाँ पर हाइड फ्रॉम रिसेंट स्क्रीन है, आप चाहे तो इन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। नीचे सबसे लास्ट में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज की हिंदी लैंग्वेज भी ये जो एप्लीकेशन है तो आप हिंदी को चूज करके हिंदी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को अभी यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आप समझे होंगे कैसे इस ऐप का यूज करना अपने फोन के अंदर, और इजीली आप यूज कर पाएंगे ऐप ड्रॉअर का। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।